सुनाई आ रहा है क्या? अब मेरी आवाज साफ है? क्या अब मेरी आवाज साफ है? अभी तक तो आप लोग लिख रहे हैं नो ऑडियो, पर क्या अब मैंने माइक्रोफोन निकाल दिए हैं और सीधे ये कर रही हूं, तो क्या अब आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। तो बी तो जो है, और लोगों ने भी अभी हमको ज्वाइन कर लिया है, और जो है अब मेरी आवाज आ रही है ऐसा सबने लिखा है, तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह रही थी कि आशा है आज अभी तक आप लोगों ने मेरी जो स्टोरी कलेक्शन आई है लाइन्स ऑफ फेट, वो सबने खरीद ली होगी और पढ़ी होगी। मैं आपके रिव्यूज का इंतजार कर रही हूँ। ये आज तक जो है 49 रुपीज में किंडल पे अवेलेबल है, कल से इसका प्राइस 79 हो जाएगा, और पेपर बैक में 179 रुपीज में अवेलेबल है, तो इसे जरूर खरीदे। तो बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर, क्योंकि अब काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है जैसा कि मुझे दिख रहा है। तो आज जो मैं कविताएं सुनाने जा रही हूं, जैसा कि मैंने कल कहा था, वो है मेरे काव्य संग्रह मैं हवा हो गई हूं। इस पुस्तक में से मैं आज आपको कविताएं सुनाऊंगी। तो शुरू वहीं से करते हैं जहां कल रात खत्म किया था, और जो मेरी पसंदीदा लाइनें भी हैं, यानी मैंने जो भी फोर लाइनर्स लिखे उनमें सबसे ज्यादा पसंद मुझे यही फोर लाइनर्स है। ना कोई परिंदा पंख उधार देगा, ना कोई फरिश्ता आसमान से आएगा। ना कोई परिंदा पंख उधार देगा, ना कोई फरिश्ता आसमान से आएगा। जिस दिन तेरे जहन में हिम्मत का जुगनू जगेगा, तू अपने आप फलक पर पहुंच जाएगा। जिस दिन तेरे जहन में हिम्मत का जुगनू जगेगा, तू अपने आप फलक पर पहुंच जाएगा। तो ये थी मेरी सबसे फेवरेट लाइन, आशा है आपको ये पसंद आई होगी। तो जो पहली कविता मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूं, उसी का उसका शीर्षक भी यही है कि मैं हवा हो गई हूं। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर और। मनीषा जी लिख रही हैं, वाह, बहुत शुक्रिया मनीषा जी। तो एक फोर लाइनर और। पिंजरे का पंछी खुली सांस को भी तरसता है, एहसान मन हो बंदे कि खुला बादल तुझ पर बरसता है। पिंजरे का पंछी खुली सांस को भी तरसता है, एहसान मंद हो ऐ बंदे कि खुला बादल तुझ पर बरसता है। कश्यप कुमार जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो यस लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजीव ने भी ज्वाइन कर लिया है, आप भी बहुत अच्छे कवि भी हैं और डॉक्टर भी हैं, और लिख रहे हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर, मैं हवा हो गई हूं। नहीं जानती कहाँ जा रही हूं, बस कदम बढ़े जा रहे हैं और वे चली जा रही हूं। शायद मैं हवा हो गई हूं। नहीं जानती कहाँ जा रही हूं, बस कदम बढ़े जा रहे हैं और मैं चली जा रही हूं। शायद मैं हवा हो गई। हवाएं भी कहां जानती हैं उनकी राहें, उनकी मंजिल और उनके दायरे, पर कहां उदास होती हैं इस बात पर, वो भी तो बस बढ़ती जाती हैं, है ना। हवाएं भी कहां जानती हैं उनकी राहें, उनकी मंजिल और उनके दायरे, पर कहां उदास होती हैं इस बात पर, वो भी तो बस बढ़ती जाती हैं, है ना। शायद मैं भी हवा हो गई। जहां बढ़ूंगी वहां कोई ना कोई खुशियां होंगी, जिनकी एक खूबसूरत सी खुशबू होगी, उसकी महक को हर तरफ फैलाती चलती जाऊंगी। आखिर मैं हवा हो गई। जहां बढ़ूंगी वहां कोई ना कोई खुशियां होंगी, जिनकी एक खूबसूरत सी खुशबू होगी, उसकी महक को हर तरफ फैलाती चलती जाऊंगी। आखिर मैं हवा हो गई। जहां जितनी जगह होगी उसी में खुद को सिमटने कह दूंगी। मुझे टोका जाए तो उस बर्तन का रूप ले लूंगी जिसमें मुझे रखा गया हो। जहां जितनी जगह होगी उसी में खुद को सिमटने को कह दूंगी। मुझे टोका जाए
तो उस बर्तन का रूप ले लूंगी जिसमें मुझे रखा गया हो, नहीं तो आसमान तक मेरी हद होगी, नहीं तो आसमान तक मेरी हद होगी। मैं हवा हो गई, मैं हवा हो गई। दोस्तों, हवा तो कहीं भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, और खुश दिल कितनी रहती है हवा, तो अगर हम भी उसी तरह खुश दिल हो जाए और कहां जा रहे हैं इस बात से कि चिंता फिक्र छोड़ दें, बस मेहनत करते रहें, तो हम जरूर एक खुशनुमा रास्ते की ओर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नीता दी वहां लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया नीता दी। अरुण जीजा जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया नीता दी। फिर से नाइस लाइंस लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। नागेंद्र यादव जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रहे हैं बेस्ट सेट, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। संजीव जी लिख रहे हैं, आप बहती रहे, अच्छी रचना पढ़ती जाए। बहुत शुक्रिया संजीव जी। मनीषा जी कह रही हैं, वंडरफुल थॉट्स, थैंक यू। कश्यप कुमार जी लिख रहे हैं, बहुत खूब, आज फिर से यादें ताजा होने लगी, थैंक यू। आप ऐसे ही यादें ताजा करते रहें, और याद ताजा करने के लिए कुछ और कविताएं हैं मेरे पास जो आपको मैं धीरे धीरे सुनाऊंगी। तो मैं बचपन में कुछ रिबेलियस हुआ करती थी, रिबेलियस उस सेंस में नहीं कि बहुत लड़ाई करूं झगड़ा करूं, परंतु मैं कोई बात को बड़ी आसानी से नहीं मानती थी, हर चीज में ये जो क्यों है ना ये लगा रहता था। तो जो है पता नहीं, मेरे मम्मी पापा को शायद मेरी इस बात से बड़ी तकलीफ होती होगी, परंतु मैं ऐसी ही थी, मैं क्या करूं। और शायद जो प्रश्न मैं करती रहती थी उससे मुझे बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, और ये जर्नी मेरे प्रश्न की और मेरी रिबेलियन की कैसे हुई, इस पे है अगली कविता प्रश्न। इससे पहले कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। प्रभाकर नाथ शर्मा जी जो कि मेरे कलीग हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो लिख रहे हैं नमस्कार जी, नमस्कार प्रभाकर जी। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, आकाश की कोई सीमा नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, आकाश की कोई सीमा नहीं होती है। दीप जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर लाइंस हैं दी, बहुत शुक्रिया दी ज्वाइन करने के लिए भी और पसंद करने के लिए भी। तो पेश है एक फोर लाइनर, सवाल करते रहिए जवाब लाजवाब होते हैं, सवाल करते रहिए जवाब लाजवाब होते हैं, यही दिलो दिमाग को मोतियों से पिरोते हैं, यही दिलो दिमाग को मोतियों से पिरोते हैं। ऋचा जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, वो कह रही है एक्सप्लेन इम्प्रेसिवली, थैंक यू ऋचा। तो बढ़ते हैं मेरी कविता प्रश्न की। प्रश्न अभी भी बहुत उठते हैं जहन में, पर उन प्रश्नों को मैं अब पतंगों की तरह नहीं उड़ाती। प्रश्न अभी भी बहुत उठते हैं जहन में, पर उन प्रश्नों को मैं अब पतंगों की तरह नहीं उड़ाती। जानती हूं कि काट दिए जाएंगे वो परंपराओं और रिवाजों के मांझे से, जानती हूं कि काट दिए जाएंगे वो परंपराओं और रिवाजों के मांझे से। उन प्रश्नों को मैं रहने देती हूं मेरे सीने में छुपे हुए, उन प्रश्नों को मैं रहने देती हूं मेरे सीने में छुपे हुए, जैसे मिट्टी हीरे को अपने सीने में बहुत अंदर छुपाती है। रहने देती हूं मैं उन्हें मेरे सीने में छुपे हुए, जैसे मिट्टी हीरे को अपने सीने में बहुत अंदर छुपाती है। उन प्रश्नों पे मैं करती हूं आत्मचिंतन, और उन्हें तब तक जलने देती हूं अपनी रूह की आग में, जब तक उनकी चमक और तेज हीरे से नहीं हो जाती। उन प्रश्नों को मैं करती, उन प्रश्नों पर करती हूं मैं आत्मचिंतन, और उन्हें तब तक जलने देती हूं अपनी रूह की आग में, जब तक उनकी चमक और तेज हीरे सी नहीं हो जाती। अब जब वो अपनी नई काया के साथ ऊपर को उठते हैं, कोई मांझा उन्हें आसानी से नहीं काट पाता। जब वो अपनी नई काया के साथ ऊपर को उठते हैं, कोई मांझा उन्हें आसानी से नहीं काट पाता।
ये थी मेरी कविता प्रश्न, जो है कुछ कमेंट्स को लेते हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं जिज्ञासा जरूरी है, बिल्कुल जिज्ञासा बहुत जरूरी है और मैं अपने आसपास हर किसी से यही कहती हूँ, बच्चों से खासकर। ऋचा थम्स अप कर रही हैं, हेमंत विद जो कि बहुत अच्छे कवि हैं और आज शाम को 7 बजे लाइव आने वाले हैं, वो भी लिख रहे हैं बहुत सुंदर रचना, बहुत शुक्रिया हेमंत। प्रमोद जी लिख रहे हैं अद्वितीय भाव, बहुत शुक्रिया। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं वाह क्या अभिव्यक्ति है, बहुत शुक्रिया जीजा जी। नीता दी लिख रही हैं अति सुंदर, बहुत शुक्रिया नीता दी। रेणु मिश्रा लिख रही हैं बहुत अंदर छुपाती हूँ, वाह। तो रेणु भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और इस टॉपिक पे हमारी कई बार चर्चा भी हुई है, थैंक यू रेणु फॉर ज्वाइनिंग। मनीषा जी लिख रही हैं एब्सोल्युटली, थैंक यू। और कुछ और कमेंट्स हैं, अर्चना शर्मा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रही हैं वहाँ मैडम बहुत खूब, थैंक यू अर्चना शर्मा जी। आपको भी मैं कई प्रोग्राम से देख रही हूँ और आप लगातार बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऋतुराज ठाकुर जी शायद आज पहली बार आए हैं और वो लिख रहे हैं नाइस, थैंक यू इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। संजीव चौधरी जी लिख रहे हैं सवाल को कटने का खौफ कहाँ, जब उठेगी जवाब छानेंगी जहाँ। वाह 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 क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्चना जी लिख रही हैं वाह। नागेंद्र यादव जी ने भी ज्वाइन किया है और लिख रहे हैं अनमोल, शायद रचना लिखना चाह रहे होंगे, टाइपो है, थैंक यू नागेंद्र जी। तो अब बढ़ते हैं अगली कविता की ओर जिसका कि शीर्षक है खा। हर कोई सपने देखता है ना, सपने आपने भी देखे होंगे, कुछ सपने पूरे होते हैं कुछ नहीं होते हैं, इन्हीं के बारे में है ये कविता खा। और मंजू आंटी ने भी ज्वाइन कर लिया और वो हाय लिख रही हैं, नमस्कार मंजू आंटी, आप भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं। तो कविता की ओर बढ़ने से पहले एक फोर लाइनर, ये सुलगती तमन्नाएं कहीं राख ना हो जाएं, डरती हूं कदम रखने से कहीं सपने खाक ना हो जाएं। ये सुलगती तमन्नाएं कहीं राख ना हो जाएं, डरती हूं कदम रखने से कहीं सपने खाक ना हो जाएं। संजीव जी शुक्रिया लिख रहे हैं, मुझे आपकी दो लाइंस जो शायद आपने तुरंत ही लिखी है बहुत पसंद आई थी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता खाक की। 25 साल पहले कुछ अनाथ खाक अलाब में डाल दिए थे धीरे धीरे जलने के लिए, 25 साल पहले कुछ अनाथ खाक अलाब में डाल दिए थे धीरे धीरे जलने के लिए। आज अचानक अलाब पर नजर पड़ी तो देखा कुछ खाक तो खूब जले, जलकर भस्म भी हो गए और उनकी राख मुझे अभी तक चिढ़ा रही थी। आज अचानक अलाव पर नजर पड़ी तो देखा कुछ खाक तो खूब जले, जलकर भस्म भी हो गए और उनकी राह मुझे अभी तक चिढ़ा रही थी, पर कुछ खाक अभी भी सुलग रहे थे, पर कुछ खाक अभी भी सुलग रहे थे। जिन खाबों को अलाव की गर्मी ने और वक्त की तपिश ने भी भस्म नहीं होने दिया, खाबों को यूं मैं कब तक छोड़ सकती थी भला। जिन खाबों को अलाव की गर्मी ने और वक्त की तपिश ने भी भस्म नहीं होने दिया, उन खाबों को यूं मैं कब तक छोड़ सकती थी भला। आज मैंने उन खाबों को एक बार फिर रूह से चिपका लिया है, आज मैंने उन खाबों को एक बार फिर रूह से चिपका लिया है। तो आशा है आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। मंजू आंटी लिख रही हैं थैंक्स नीलम और बहुत सारा प्यार भेज रही हैं, थैंक यू। नीता दी वाह वाह लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। रामप्रसाद जी ने भी ज्वाइन किया है और वो लिख रहे हैं थैंक्स जी, आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कश्यप कुमार जी लिख रहे हैं सुंदर, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं अति सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब पेश है एक फोर लाइनर जो कि मैं हरदम एक कविता के पहले सुनाती हूँ। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हम ऐसे ही हवाओं में खो जाते हैं,
अंदर ही अंदर न जाने क्यों कभी कभी खोखले दरख्त हो जाते हैं। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हम ऐसे ही हवाओं में खो जाते हैं, अंदर ही अंदर न जाने क्यों कभी कभी खोखले दरख्त हो जाते हैं। इस बीच कुछ कमेंट्स और आए हैं। संजीव चौधरी जी लिख रहे हैं, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। नीता दी तालियां बजा रही हैं, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू मनीषा जी। राजेश कुमार ने भी ज्वाइन कर लिया और हाय लिख रहे हैं, हेलो राजेश। दीप जी लिख रही हैं, खाप तो रूह से चिपका लिया, वहा दी ये मैंने भी किया और लिखना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया। मैंने आपकी पहली कविता पढ़ी है और आशा है आप आगे भी ऐसे लिखती रहेंगी और मैं आपकी और भी कविताएं पढ़ूंगी। प्रमोद जी लिख रहे हैं, ख्वाब बिना जिंदगी अधूरी, बिल्कुल सही कहा। संजीव सैकिया जी ने भी ज्वाइन किया है, शायद आज मुझे आप पहली बार नजर आ रहे हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिख रहे हैं, वाह वाह, थैंक्स जी, आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो अगली कविता है वो कुछ हटकर है, मैं ज्यादातर जोशीली कविताएं सुनाती हूँ, परंतु इस कविता का शीर्षक है जहन की चोटें। काश जहन की चोटें भी कुछ ऐसी होती, ठंड में सिकुड़ जाती, सूरज की नजर पड़ते ही सूख जाती और बारिश के पानी से धुल जाती। काश जहन की चोटें भी कुछ ऐसी होती, ठंड में सिकुड़ जाती, सूरज की नजर पड़ते ही सूख जाती, बारिश की पानी से धुल जाती। काश जहन की चोटें भी कुछ ऐसी होती जो अगर इनको छू लेती नदी की धारा, तो धीरे धीरे उसमें घुलने लगती और बहते बहते छोटी होकर मिट जाती। काश जहन की चोटें भी कुछ ऐसी होती जो अगर इनको छू लेती नदी की धारा, तो धीरे धीरे उसमें घुलने लगती और बहते बहते छोटी होकर मिट जाती। काश जहन की चोटें भी कुछ ऐसी होती, दरख्त पर लगे पत्तों सी कुछ समय के बाद मुरझा जाती और फिर झर जाती। काश जहन की चोटें भी कुछ ऐसी होती, दरख्त पर लगे पत्तों सी कुछ समय के बाद मुरझा जाती और फिर झर जाती। पर बड़ी अजीब है ये जहन की चोटें, न सिकुड़ती है न धुलती है, न सूखती है न घुलती है, न सिकुड़ती है न धुलती है, न सूखती है न घुलती है। जब भी इनको मेज की दराजों में से निकालो ये बिल्कुल ताजा होती है, मानो टहनी पर अभी अभी उगी। जब भी इनको मेज की दराजों में से निकालो ये बिल्कुल ताजा होती है, मानो टहनी पर अभी अभी उगी। तो ये थी मेरी कविता जहन की चोटे। दीप लिख रही है, बहुत बहुत शुक्रिया दीप। अनीता जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत अच्छी कवयित्री है, वो लिख रही है खूबसूरत लाइंस, थैंक यू अनीता। वहाँ भी लिख रही हैं, प्रमोद जी बहुत खूब लिख रहे हैं, अरुण जीजा जी शानदार लाजवाब लिख रहे हैं, थैंक यू जीजा जी। मंजू रानी आंटी लिख रही हैं, वाह बहुत सुंदर लाइंस, बहुत शुक्रिया। नीता दी लिख रही हैं, उत्तम, बहुत शुक्रिया। शुभा आंटी ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये मेरी पड़ोसी थी, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप लिख रही हैं बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू शोभा दी, शोभा आंटी। और मनीषा जी लिख रही हैं, सच्ची भावना, थैंक यू सो मच। तो अब पेश है एक फोर लाइनर, जाने ये कौन से रस्ते हैं, जाने ये कहाँ जाकर मिलते हैं, न जाने ये कौन से रस्ते हैं, जाने ये कहाँ जाकर मिलते हैं। सोचती हूँ स्याह रातों में क्या सुकून के फूल यही खिलते हैं, सोचती हूँ स्याह रातों में क्या सुकून के फूल यही खिलते हैं। इससे पहले एक कमेंट, प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, आदित्य कल्पना, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर जिसका शीर्षक है बगावत। तो आजकल हम देखते हैं कि हर कोई बगावत करने लगता है, न सोचता है न समझता है,
कोई भी बात हुई और की बगावत, किसी ने कुछ कहा बगावत, अमके ने कुछ कहा बगावत, तमके ने कुछ कहा बगावत, क्या हर बार बगावत करना ठीक है? यह भी सच है कि बगावत के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु कितनी बगावत होनी चाहिए और कब और कैसे होनी चाहिए, यही बात कुछ मेरी इस कविता में है। कुछ कमेंट्स आए हैं। मंजू आंटी लिख रही है क्या कहने, राम प्रसाद जी लिख रहे हैं वाह वाह नीलम जी क्या लाइन कहती हैं आप, दिल को छू जाता है। बहुत शुक्रिया राम प्रसाद जी। तो पेश है कविता बगाव। बगावत करना यूं तो अच्छा नहीं माना जाता, अगर कोई बच्चा विद्रोह करता है तो डर जाते हैं माँ बाप, समाज उसे रोकता है, रिश्तेदार उसे टोकते हैं और दोस्त भी मिलने से हिचके जाते हैं। बगावत करना यूं तो अच्छा नहीं माना जाता, अगर कोई बच्चा विद्रोह करता है तो डर जाते हैं माँ बाप, समाज उसे रोकता है, रिश्तेदार उसे टोकते हैं और दोस्त भी मिलने से हिचकिचाते हैं। अक्सर अकेला हो जाता है बगावत करने वाला, अक्सर अकेला हो जाता है बगावत करने वाला। अगर खुर्दबीन से देखा जाए तो बिना बगावत के कभी समाज में क्रांति भी कहां आई है, पर अगर खुर्दबीन से देखा जाए तो बिना बगावत के कभी समाज में क्रांति भी कहां आई है। यदि बगावत नहीं की होती तो 1857 में सैनिकों ने तो कहां शुरू नहीं की होती लड़ाई स्वतंत्रता की। यदि जलियांवाला बाग से विक्षिप्त होकर लोगों ने बगावत नहीं की होती तो यूं ही मर कट रहे होते लोग किसी जनरल डायर की बंदूक से। यदि किसी ने बगावत नहीं की होती तो औरतों को अब भी पढ़ने की और या घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती, शायद मैं भी यहां कविता नहीं सुना रही होती। और यदि किसी ने बगावत नहीं की होती तो आज भी अछूत मांग कर हम किसी इंसान की बेइज्जती कर रहे होते। समाज के उत्थान के लिए बगावत तो जरूरी है, समाज के उत्थान के लिए बगावत तो जरूरी है, पर यह भी जरूरी है कि देख सुन और समझ लिया जाए कि हमारे निर्णय में क्या वाकई उत्थान होने वाला है या फिर यह एक जरिया है लोगों का ध्यान खींचने का। समाज के उत्थान के लिए बगावत तो जरूरी है, पर यह भी जरूरी है कि देख सुन और समझ लिया जाए कि हमारे निर्णय से क्या वाकई उत्थान होने वाला है या ये सिर्फ एक जरिया है लोगों का ध्यान खींचने का। सुनो, बिना चिंतन की गई बगावतों से शर्म आती, सुनो बिना चिंतन की गई बगावतों से शर्म आती। तो कुछ कमेंट्स आए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। मंजू आंटी लिख रही है क्या कहने, बहुत शुक्रिया। और राजेश कुमार जी गुड लिख रहे हैं। अनीता जी बगावत वाह लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। राजीव शुक्ला जी ने भी ज्वाइन कर लिया और लिख रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग। नीता जी बहुत खूब लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं, बहुत सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। अरुण जी जय जी तालियां बजा रहे हैं। संजीव जी लिख रहे हैं बगावत इतिहास में होते दर्ज, समाज का चुकाने होंगे कर्ज। बहुत सही कहा आपने, बगावत जैसा कि मैंने कहा करना जरूरी भी होता है पर सोच विचार के करना चाहिए। मंजू आंटी तालियां बजा रही हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं बगावत हिम्मत का काम है, इतिहास गवाह है। जी हाँ बिल्कुल, बगावत हिम्मत का काम है, पर मैंने जैसे कहा इसे सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा और तुरंत बगावत पे उतर आए। राजेश कुमार जी तालियां बजा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अरुण जी जीजा जी लिख रहे हैं बहुत सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं सही सोच, बहुत शुक्रिया। संजीव जी लिख रहे हैं चिंतन रहित बगावत बेमानी, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आप सभी को ये कविता पसंद आई तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं सुनाना चाहूंगी एक फोर लाइनर, अपना रास्ता देख
दूसरों से क्या वास्ता, अपना रास्ता देख दूसरों से क्या वास्ता, अपनी मंजिल पर चलता जा खुशी खुशी तय कर रास्ता, अपनी मंजिल पर चलता जा खुशी खुशी तय कर रास्ता। सुरेखा जी ने भी ज्वाइन कर लिया, ये भी मेरे साथ प्रोग्राम आयोजित करती हैं और इनके बिना ये प्रोग्राम इतनी सफलता से नहीं हो सकता था। थैंक यू सुरेखा जी। सुनील सक्सेना जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रहे हैं इट्स रियल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जो अगली कविता मैं पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कौन हूँ मैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कौन हूँ मैं। किसी हरी टहनी पर खुशनुमा शबनम की तरह खिला मस्तानी, फजाओं को अपनी खुशबू से महकाता हुआ, इठलाती सदाओं में अपनी गुलाबी मुस्कान की रंगत बिखेरता, क्या कोई बैंगनी गुल हूं मैं। किसी हरी टहनी पर खुशनुमा शबनम की तरह खिला मस्तानी, फजाओं को अपनी खुशबू से महकाता हुआ, इठलाती सदाओं में अपनी गुलाबी मुस्कान की रंगत बिखेरता हुआ, क्या कोई बैंगनी गुल हूं मैं। या फिर किसी बूढ़े दरख्त की सूखी हुई शाखाओं से झड़ता हुआ, ठहरी हुई हवाओं में सरसराहट करता हुआ, बुरी सी धूल में मिल जाने वाला कोई पीला पत्ता हूं मैं। या फिर किसी बूढ़े दरख्त की सूखी हुई शाखाओं से झड़ता हुआ, ठहरी हुई हवाओं में सरसराहट करता हुआ, भूरी सी धूल में मिल जाने वाला कोई पीला पत्ता हूं मैं। जानता नहीं कौन हूं मैं और क्या वजूद है मेरा, जानता नहीं कौन हूं मैं और क्या वजूद है मेरा, पर फिर भी जी रहा हूं जिंदगी कुछ इस तरह जैसे बस जो पल हाथ में हो वही सबसे बेशकीमती और बहुमूल्य हो। जानता नहीं कौन हूं मैं और क्या वजूद है मेरा, पर फिर भी जी रहा हूं जिंदगी कुछ इस तरह जैसे बस जो पल हाथ में हो वही सबसे बेशकीमती और बहुमूल्य हो। पीले पत्ते की तरह हर किसी को एक दिन धूल में समा ही जाना है, पीले पत्ते की तरह हर किसी को एक दिन धूल में समा ही जाना है, पर जब तक जिंदा हूं बैंगनी गुल की तरह उम्मीद के धनक पर सवार रहता हूं। जब तक जिंदा हूं बैंगनी गुल की तरह उम्मीद के धनक पर सवार रहता हूं। किसी ने सही कहा है कि मौत तो सबको आनी है, किसी को आ जाएगी किसी को कल आएगी, परंतु जब तक हम जिंदा हैं तब तक मौत की फिक्र में अपनी जिंदगी गंवाने से क्या फायदा। ऐसे कुछ काम करिए, ऐसे कुछ नेक काम करिए जिससे चार लोगों की जिंदगी संवार सके और अपनी खुशी हर तरफ बिखेरते रहिए, और यही कहती है मेरी कविता। तो कुछ कमेंट्स मंजू आंटी लिख रही हैं, वाह वाह। नीता दी बहुत सारा प्यार दे रही है मुझे, और बड़ी बहनों से प्यार मिलना बहुत अच्छा लगता है। अरुण जीजा जी बेहतरीन लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। प्रभाकर नाथ शर्मा जी लिख रहे हैं, हाथ में जो पल है वही कीमती है, ट्रू, बहुत शुक्रिया। सुनील जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सुनील जी। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं, नाइस कविता जी, बहुत शुक्रिया, आपको ये कविता पसंद आई। तो एक और कमेंट प्रमोद जी लिख रहे हैं, अनमोल लफ्जों की वानगी, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। और जैसा कि मैं पिछली बार भी मैंने कहा था, आपकी भी कविताएं सुनने को मैं आतुर हूं, तो आप जरूर अपनी कविताएं भेजें। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर। उससे पहले एक फोर लाइनर। वो दिन गए जब हम बारिश में कागज की नाव चला खुश हो जाते थे। मेरे ख्याल से सभी ने बारिश के पानी में वो कागज की नाव चलाई होगी। वो दिन गए जब हम बारिश में कागज की नाव चला खुश हो जाते थे। गुजर गया वो जमाना पुराना हुआ नाव का चलाना, आजकल लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं। गुजर गया वो जमाना पुराना हुआ नाव का चलाना, अब तो हम भाग दौड़ में व्यस्त हैं, मुस्कुराने से भी कतराते हैं। अब तो हम भाग दौड़ में व्यस्त हैं, मुस्कुराने से भी कतराते हैं। तो मेरे जनरेशन की लोगों को शायद याद होगा, और मेरे से सीनियर्स को ऑफकोर्स, कि हम लोग के घर तब एसी नहीं हुआ करता था,
और कूलर भी बहुत कम घरों में हुआ करता था। तो गर्मियों के दिनों में हम लोग बालकनी में छतों पे जाकर सोते थे। पहले अच्छे से पानी डाला जाता था, फिर गद्दे बिछाए जाते थे और उस पे हम लोग अच्छी नींद लिया करते थे। तो जब ऐसे लेटते थे तो ऊपर जो चांद और सितारे देखते थे, वाह क्या कहकशा थी। कभी कभी तो ऐसा लगता कि ये चांद तारे हमसे बात कर रहे हैं और हमें कुछ सिखा रहे हैं और हम भी उनसे कुछ अपनी बातें कह रहे हैं। तो उसी पे है ये कविता, तारों से बातें। मनीषा जी लिख रही हैं वहां, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, आपका आभार, शुक्रिया। अर्चना शर्मा जी कह रही हैं, नाव याद आ गई। कभी कभी कर लेना चाहिए मन की, कभी कभी नाव। अभी बारिश का ही सीजन है तो एक बार बना लीजिए नाव और चला दीजिए उसे पानी में, देखिए दिल को कितना सुकून मिलेगा। मैं ये काम कभी कभी करती हूँ। तो तारों से बातें। जब मैं छोटी थी तो अक्सर छत पर बैठकर तारों से बातें करती रहती थी। कभी उनसे आंख मिचोली खेलती तो कभी उनकी ख्वाहिशों के बारे में सुना करती। जब मैं छोटी थी तो अक्सर छत पर बैठकर तारों से बातें करती रहती थी। कभी उनसे आंख मिचोली खेलती तो कभी उनकी ख्वाहिशों के बारे में सुना करती। हर तरफ एक उत्साह नजर आता, मानो रोज ही त्योहार हो और हम उसकी खूबसूरती में मशगूल हो। चांद और तारों को देख के वाकई ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार हो। हर तरफ एक उत्साह नजर आता, मानो रोज ही कोई त्योहार हो और हम उसकी खूबसूरती में मशगूल हो। अब तो मुझे अरसा बीत गया यूं इस तरह उन तारों से गुफ्तगू किए हुए। अब तो मुझे अरसा बीत गया यूं उस तरह तारों से गुफ्तगू किए हुए। वासापन सा आ गया है माहौल में, हवाएं थम सी गई हैं, आसमान भी बुझा बुझा सा है और वो तारे अब कोई मुराद को नहीं मांगते। समझने की कोशिश कर रही हूं कि क्या तारे वाकई में थक गए हैं या फिर मैं बड़ी हो गई। समझने की कोशिश कर रही हूं कि क्या वो तारे वाकई में थक गए हैं या फिर मैं बड़ी हो गई। ये थी मेरी कविता बातें तारों से। मंजू आंटी लिख रही हैं, पुरानी यादें आ गई, थैंक यू। प्रमोद जी लिख रहे हैं, वे दिन अनमोल थे, सच वो दिन बिल्कुल अनमोल थे। मनीषा जी लिख रही है, हम भी छत पे सोकर तारों से बातें करते थे। चलिए, मेरा साथ देने वाले कई लोग हैं ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। सुनील जी भी लिख रहे हैं, स्वीट ओल्ड मेमोरीज। तो चलिए, मेरे साथ आप लोग सब जुड़ रहे हैं, इन बातों को समझ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही है, वो दिन भी क्या दिन थे, अब तो बस दिल में रह गया है। नहीं, दिल की तमन्नाएं पूरी कर लेनी चाहिए, एक दिन कर ही लीजिए आंटी। तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता और बहुत जल्दी गुजर जाता है आप सब लोगों से रूबरू होने के बाद, आपसे गुफ्तगू करते हुए। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, अति सुंदर प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपनी आखिरी कविता की ओर, और उससे पहले आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइंस ऑफ फेट, जो कि अभी अभी रिलीज हुई है 1 महीने पहले और बेस्ट सेलर्स में नंबर 10 के अंदर रहती है और हॉट न्यू रिलीजेज में नंबर 3 4 के अंदर ही रहती है, उसे जरूर खरीदें और पढ़ें और अपना रिव्यू दें। तो अभी अभी आप लोगों को याद होगा कि याद क्या होगा, अभी ताजा ही बात है कि चीन ने भारत की सीमा पे हमला किया था और हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे। तो मुझे मेरी ये कुछ दिन पुरानी लिखी कविता याद आ गई, जो कि अभी उतनी ही मौजूदा परिस्थिति में भी वो उतनी ही ये है जब मैंने तब लिखी थी। तो उससे पहले एक 4 लाइनर, सलाम उन बाहों को जो बाहें दिन रात काम करती हैं, अपने खून पसीने से विकासशील देश का निर्माण करती हैं। सलाम उन बाहों को जो बाहें दिन रात काम करती हैं, अपने खून पसीने से विकासशील देश का निर्माण करती हैं।
कुछ यहाँ पे कमेंट्स हैं। अरुण जीजा जी का कमेंट तो मैं ले चुकी हूँ, अति सुंदर प्रस्तुति। मंजू आंटी जरूर डियर लिख रही हैं, करके मुझे बताइएगा। मनीषा लिख रही हैं, एवरी वीकेंड सच ए ग्रेट इंटरेक्शन विद यू एंड योर पोएट्री, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मनीषा जी लिख रही हैं, ऑल्सो एंडोर्स लाइन्स ऑफ फेट गुरी, थैंक यू नॉट ओनली फॉर ऑर्डरिंग एंड रीडिंग बट ऑल्सो रिव्यूइंग इट। वो आगे लिख रही है, ग्रेट कलेक्शन ऑफ रिलेटेबल सिंपल स्टोरीज, थैंक यू। प्रमोद जी लिख रहे हैं, वाह, थैंक यू। तो जो मेरी आज की आखिरी प्रस्तुति है उसका शीर्षक है याद रखना, जब कोई जन्मदिन पर तुम्हारे ख्वाहिश करता है तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, याद रखना दोस्तों ये भी तुम, सरहद पर कोई लड़ता है तुम्हारी हर मुस्कान के लिए। जब कोई जन्मदिन पर तुम्हारे ख्वाहिश करता है तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, याद रखता है दोस्तों ये भी तुम, सरहद पर कोई लड़ता है तुम्हारी हर मुस्कान के लिए। खुशी बहुत होती होगी तुमको जहन में जब तुम्हारी कंपनी को सराहा जाता है ऊंचाइयों के लिए, यह तुम भूल न जाना दोस्त, कहीं सड़क पर कोई खड़ा है तुम्हारे हर अरमान के लिए। खुशी बहुत होती होगी तुमको जहन में जब तुम्हारी कंपनी को सराहा जाता है ऊंचाइयों के लिए, पर तुम भूल न जाना दोस्त, कहीं सड़क पर कोई खड़ा है तुम्हारे हर अरमान के लिए। झूम उठते होगे तुम उन्माद में जब जीतते हो तुम चुनाव देश की सेवा के लिए, ये नेताओं के लिए है। झूम उठते होगे तुम उन्माद में जब जीतते हो तुम चुनाव देश की सेवा के लिए, स्मरण कर लेना उन्हें भी ए दोस्त, सरहद की रक्षा करता है जो तुम्हारे आसमान के लिए। याद कर लेना उन्हें भी ए दोस्त, सरहद की रक्षा करता है जो तुम्हारे आसमान के लिए। कहाँ संभव है आसानी से यूं हंसना खिलखिलाना जो टूट जाए देश विपदाओं और परेशानियों से। कहाँ संभव है आसानी से यूं हंसना खिलखिलाना जो टूट जाए देश विपदाओं और परेशानियों से। हमारी हर जुम्बिश और खुशी रुनी है उनकी, सरहद पर जो मर मिटता है हमारी महकती शाम के लिए। हमारी हर जुम्बिश और खुशी रुनी है उनकी, सरहद पर जो मर मिटता है हमारी हर महकती शाम के लिए। तो सल्यूट टू ऑल वॉरियर्स ऑन द लाइन, टू ऑल सोल्जर्स हु आर प्रोटेक्टिंग अस, उनको बहुत बहुत नमन। न जाने क्यों जब ऐसी बातें होती हैं मेरी आंखों में कुछ आंसू आ जाते हैं, आई एम सॉरी बट। तो कुछ कमेंट्स, मंजू आंटी लिख रही हैं, मैंने सभी पढ़ी, बहुत अच्छी कहानियां हैं, आप लाइंस ऑफ फेथ की बात कर रही हैं, बहुत शुक्रिया मंजू आंटी कि आपको ये कहानियां पसंद आई। प्रभाकर नाथ शर्मा जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू। विशाल वर्मा जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, आपने ज्वाइन करने में कुछ लेट कर दिया तो आप ये रिकॉर्डिंग जरूर सुने। विशाल वर्मा जी आगे लिख रहे हैं, ब्यूटिफुल लाइन जी, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, सीमा प्रहरी, शत शत नमन, मेरी तरफ से भी नमन। कैलाश नाथ नारायण गहलोत जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं, जय जवान जय हिंद, जय हिंद। मनीषा जी लिख रही हैं, क्या बात, बहुत शुक्रिया। सुनील सक्सेना जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया। शोभना लिख रही है, ब्यूटीफुल, थैंक्स डियर लिटिल सिस्टर। हेमंत कदम जी लिख रहे हैं, नाइस, बहुत शुक्रिया हेमंत जी। सुरेखा जी लिख रही हैं, आपका चार लाइनों का तड़का चार चांद लगाता है सदा। थैंक यू सुरेखा, थैंक यू डियर। प्रमोद जी लिख रहे हैं, आपको नमन, आप आदत बन गई हैं। हाँ, हर संडे को मैं यहाँ आती हूँ और जब तक लोग मेरा प्रोग्राम सुनते रहेंगे मैं आती रहूंगी, जब लोग बोर हो जाएंगे मैं बंद कर दूंगी। दीप जी लिख रही हैं, दिल को छू लेने वाली कलाम है आपकी, वेरी नाइस दीप, थैंक यू सो मच फॉर सच एनकरेजिंग कमेंट्स। आपके ये ही कमेंट्स हैं जो मुझे यहाँ आने को बार बार मजबूर करते हैं आपके सामने। तो बहुत अच्छा लगा,
आपको आज की मेरी कविताओं का सिलसिला पसंद आया। ये कविताएं मेरी काव्य संग्रह में हवा हो गई हूँ इसमें से थी। तो यहीं मैं आप सभी को गुड बाय कहना चाहूँगी, आपसे रुख्सत लेना चाहूँगी और इन चार लाइनों के साथ कि कर्म किए जा और जिए जा, क्यों चिंता करता है तू कल की। कर्म किए जा और जिए जा, क्यों चिंता करता है तू कल की। जब तू हर लम्हे की खुशी से लिपट जाएगा, जब तू हर लम्हे की खुशी से लिपट जाएगा, तुझे फिक्र ही नहीं रहेगी कल की, तुझे फिक्र ही नहीं रहेगी कल की। तो दोस्तों, आज में जीना सीखिए, हर पल खुश रहिए और आजकल इस महामारी के दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखिए और अपने साथियों की भी हिम्मत बनाए रखिए। इसी आस के साथ मैं आपसे रुख्सत लेना चाह रही हूँ। यहाँ बीएल मीना जी ने भी ज्वाइन किया है और वेरी नाइस लिख रहे हैं, थैंक यू मीना जी। तो आप सभी को नीलम का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और मैं फिर मौजूद होंगी आपके सामने, रूबरू होंगी आपके सामने अगले इतवार 11 बजे। धन्यवाद।